हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के अगला सेट को डिस्कशन करेंगे और इसका नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है, समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय आपस में संबंधित हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 10 है और 18 है और 38 है, तो ये संख्याएं आपस में जिस तरह बनाई गई है उसी तरह जो है ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा सेम पैटर्न में बनाई गई है। तो ऑप्शन ए में जैसे क्या दिया गया है, 4 है, 12 है और यहाँ 22 है। यहाँ पर क्या है, 12 है, 22 है और 12 22 है। ये चूँकि ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन बी है, मिसप्रिंट कर दिया गया है, ये 46 हो गया। और ऑप्शन बी में है 14 है, 12 है और 8 है। ऑप्शन डी में 18 है, 6 है, 14 है। हम देख रहे हैं कि ये वाला कैसे आया गया। मान लेते हैं कि 10 गुने 2 हो गया और 18 जोड़ देंगे तो ये 38 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नीचे वाले में कौन पैटर्न दिया गया। अगर हम 4 को 2 से गुना कर दें और 12 जोड़ दें तो क्या 22 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 12 को 2 से गुना कर दें, इसमें 22 जोड़ दें तो 46 आ जाएगा। 24 और 22 कितना, 46 हो जाएगा। तो ये पैटर्न मेरा चूँकि हो रहा है और चूँकि ये हो गया तो इन दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा करेक्ट है। ये दोनों सेम पैटर्न में है। इसको भी पहला नंबर को अगर 2 से गुना कर दें और इसमें 18 ऐड कर दें तो 38 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी को भी इसी तरह 2 से गुना कर दें और इसमें 22 ऐड कर दें तो 46 आ जाएगा। सेम पैटर्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। इसमें कहा गया है कि टॉम की ने कहा कि जेरी की चाची मेरे माता के पिता की दूसरी पुत्री है और मेरी नानी की केवल 2 ही पुत्रियाँ थी, तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगे, ठीक है। पहला देख लेते हैं क्या है कि टॉम ने कहा है कि जेरी की चाची, तो यहाँ पर मान लेते हैं जेरी है और जेरी की चाची यानी कि जेरी का कोई फादर होगा, उसका क्या होगा, भाई होगा कोई, और उसकी पत्नी, ठीक है। उसकी पत्नी कौन लग गई, जेरी की कौन लग गई, चाची लग गई, ठीक है। ये कौन लग गया, जेरी का चाची लग गया, हो गया। टॉम ने कहा कि जेरी की चाची जो है मेरे माता की पिता की दूसरी पुत्री है, यानी कि जेरी की जो चाची है वो टॉम के माता के पिता की दूसरी पुत्री है, यानी कि टॉम का कौन हो गया, मौसी हो गया। टॉम का कौन हो गया, मौसी हो गया। टॉम का जो है ये कौन है, माता है, ठीक है। टॉम की कौन है, माता है। उसका पिता यानी कि टॉम का कौन हो गया, नाना हो गया, नाना हो गया, ठीक है। टॉम का माता हो गया, टॉम का कौन हो गया, माँ हो गई, और माँ का कौन हो गया, नाना हो गया, और नाना की दूसरी पुत्री यानी कि टॉम की मौसी हो गई, ठीक है। कौन है, जेरी की चाची है, जेरी की चाची है। तो जेरी का चाची हो गया, तो ये कौन हो गया, अगर हम ऐसे देखें तो ये कौन हो गया, टॉम का कौन हो गया, मौसी हो गया। जेरी की चाची जो है टॉम की, ये दोनों सेम आदमी हो गया, ये दोनों सेम लेडी हो गई, ठीक है। जो टॉम की मौसी है वो जेरी की चाची है, तो ये कौन हो गया, टॉम का मौसी हो गया। तो उसका हस्बैंड कौन हो गया, टॉम का मौसा हो गया। और ये दोनों जो के भाई आपस में, तो ये 2 फैमिली हो गया ना, ये अलग फैमिली हो गया। टॉम का, जेरी का ये पिता हो गया और उसकी कोई माता भी होगी, ठीक है। और उसका भाई का हो गया, तो ये चूँकि टॉम की मौसी हो गई तो, और ये जो हो गया कौन हो गया, मौसा हो गया, और मौसा का भाई क्या हो गया, टॉम का मौसा भी हो गया, ठीक है। टॉम का ये मौसा हो गया, मौसा का भाई टॉम का मौसा ही हो गया, और उसकी पत्नी मौसी लग गई। लेकिन ये 2 फैमिली हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई, 2 भाई हो गया, तो यहाँ जो है टॉम का ये मौसा मौसी वाला फैमिली हो गया, और ये जो जेरी के माता पिता हो गए, अलग हो गए दोनों। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये मौसा हो गया, और मौसा का भाई भी एक तरह से मौसा हो गया, उसकी पत्नी मौसी हो गई। तो जेरी की माता जो हो गई कौन हो गई, मौसी हो गई, हम कह सकते हैं यहाँ पर। और एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया, अगर हम मान लें कि ये जो है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये दोनों भाई है, जेरी का ये फादर हो गया और उसका भाई ये हो गया, और ये मान लेते हैं कि जेरी की माँ और जो टॉम की मौसी हो गई दोनों आपस में बहन हो गई। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट कर रहा है कि मेरी नानी की केवल 2 पुत्रियाँ ही थी, तो इसके कहने का कुछ कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 लेडी के बारे में ही कहा गया है। तो मान लेते हैं कि ये जो है जेरी की माँ हो गई, ठीक है, जेरी का कौन हो गई, जो माँ हो गई, यानी कि जेरी के पिता का जो पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, इसकी कौन मान लेते हैं, एक बहन हो गई, ठीक है। इसकी कौन हो गई, बहन हो गई। ये कौन है, टॉम की मौसी हो गई, ये टॉम की मौसी हो गई। अगर हम ऐसे देख लें,
की। ये मान लेते हैं टॉम इसका कौन है, ये दोनों आपस में है, भाई बहन हो गया कोई भी होगा, ठीक है, और इसकी बहन हो गई ये, तो ये कौन हो गई, टॉम की मौसी हो गई, ठीक है, टॉम की मौसी हो गई, ये टॉम की मौसी हो गई, जेरी की मौसी हो गई, और ये जो है जेरी की माँ हो गई, ये भी कौन हो गई, टॉम की माँ हो गई। और मान लेते हैं इसका शादी जो है, टॉम का शादी जो है ये इसके पिता का चाचा के साथ कर दिया गया है, ठीक है, इन दोनों का शादी करा दिया गया है, इन दोनों का शादी करा दिया गया है, मान लेते हैं ये भी कंडीशन इसमें हो सकता है, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में भाई बहन कुछ होगा, और इसके ये पिताजी हो गए, इसकी माता टॉम की माता और जेरी की माता हो गई, और इसकी बहन कौन हो गई, माता की बहन हो गई मौसी, तो ये कौन हो गया, टॉम का मौसी हो गई, ठीक है, मान लेते हैं टॉम की मौसी हो गई, ठीक है, और इसका मौसी का जो शादी हो गया ये टॉम का जो है चाचा के साथ कर दिया गया है, टॉम के चाचा के साथ कर दिया गया है, तो क्या होगा कि टॉम का चाचा जो है एक तरह से टॉम का चाचा भी हो गया और टॉम का मौसा भी हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हम क्या कह सकते हैं कि जेरी की माता टॉम का कौन हो गया, जेरी का माता टॉम का कौन हो गई, माता ही हो गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जेरी की जो चाची है ये चूंकि जेरी का चाचा भी हो गया और इसकी पत्नी ये चाची भी हो गई और जो है ये मौसी भी हो गई, अगर जेरी का जो मौसी है वो जेरी के चाचा की पत्नी हो गई अगर, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं टॉम एंड जेरी आपस में भाई बहन है और जेरी का जो है चाचा का शादी जो है जेरी के मौसी के साथ कर दिया गया, तो एक ही बात हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जेरी का माता का टॉम से क्या रिश्ता है, वो भी माता हो गई, ठीक है, माता हो गई, ये बहुत कंफ्यूजन है लेकिन इससे ज़्यादा सटीक जो है ये आंसर हो सकता है अगर ये कंडीशन देख लें तो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, माता, ठीक है। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से पूर्ण करेगी, मान लेते हैं 13 है, 38 है और कॉलन है और 17 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है अगर हम 13 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और उसमें 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 38। उसी तरह 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो 17 × 3 हो गया 51, माइनस 1 हो गया 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है, 50 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिलोलिज्म का इसमें कह रहा है कि कुछ हेडफोन ईयरफोन है, मान लेते हैं हेडफोन को एस से डिनोट करते हैं, कुछ हेडफोन जो है ईयरफोन है, उसके बाद कह रहा है सभी ईयरफोन टेलीफोन है, ईयरफोन को ऐसे करके टेलीफोन है, ठीक है, ईयरफोन अंदर हो जाएगा और टेलीफोन बाहर हो जाएगा, क्योंकि सभी ईयरफोन जो है मेरा टेलीफोन है, कोई भी टेलीफोन टेलीविज़न नहीं है, मान लेते हैं टीपी टेलीफोन को टीपी से करते हैं टेलीफोन, और कोई भी टेलीफोन मेरा क्या है, टीवी नहीं है, मतलब टेलीविज़न नहीं है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम जानते हैं अगर इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन है तो कभी भी इसका जो निष्कर्ष होगा कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, तो एक बात यहाँ याद रखना है कि हमेशा जो मेरा स्टेटमेंट है जो मेरा कथन अगर वो पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव ही मेरा निष्कर्ष निकलेगा और अगर नेगेटिव कथन है तो उससे निष्कर्ष हमेशा क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, तो इसके बिहाव पर भी हम कैसे कभी कभी जो है ऑप्शन को बहुत एलिमिनेट कर सकते हैं, तो निष्कर्ष दिया है कि कोई भी ईयरफोन टेलीविज़न नहीं है, तो कोई भी जो है ईयरफोन टेलीविज़न नहीं है, क्योंकि ये टेलीविज़न इस एरिया के अंतर्गत ही नहीं आ सकता, इस एरिया के अंदर ही नहीं आएगा तो ईयरफोन में कहाँ से आएगा, ये तो पूरा ब्लॉक है और ईयरफोन इसके अंदर है, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ हेडफोन टेलीविज़न नहीं है, कुछ हेडफोन जो है तो ये जो कुछ का पार्ट, ये वाला जो हेडफोन था और ईयरफोन जो है कुछ का पार्ट जो है, ये कुछ का पार्ट जो है ये जो है वो भी टेलीविज़न में नहीं जा सकता, इसलिए दूसरा वाला भी मेरा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। अब तीसरा में क्या है, कुछ हेडफोन टेलीफोन है, कुछ हेडफोन जो है टेलीफोन है, ये बिल्कुल सही है, ये कुछ वाला अगर इन दोनों एरिया का बात करें तो ये देखिए कुछ एरिया जो है इसके अंतर्गत आ रहा है, ये भी सही है। फोर नंबर की अगर बात करें, कुछ टेलीफोन टेलीविज़न नहीं है, कुछ टेलीफोन जो है टेलीविज़न नहीं है, कुछ टेलीफोन टेलीविज़न नहीं है या कोई भी टेलीविज़न जो है टेलीफोन नहीं है, तो ये हम सही मान के करेंगे कि कोई भी टेलीविज़न मेरा टेलीफोन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ टेलीफोन जो है टेलीविज़न नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है ये कह सकते हैं ये गलत है, क्योंकि ये गलत है क्योंकि कुछ के बारे में बोल रहा है, कुछ नहीं, ये अगर कोई भी नहीं है तो कुछ वाला भी हम सही कह सकते हैं, तो सभी अनुसरण कर सकते हैं, तो ये वाला भी जो है चूंकि यहाँ पर कोई भी टेलीफोन जो है टेलीविज़न नहीं है, यानी कुछ वाला भी मेरा सही होगा, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा कि सभी अनुसरण करते हैं सही होगा, सभी अनुसरण करते हैं,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कथन और इसके प्रभाव का क्वेश्चन है, यानी कि कथन और प्रभाव, कथन और प्रभाव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉजल एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि इस गर्मी के दौरान जो है सब्जियों की कीमत में काफ़ी वृद्धि हुई है, और दूसरा कह रहा है कि इस गर्मी के दौरान तापमान में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सब्जियों का दाम चूंकि बढ़ने के कारण ये हो गया है कि सब्जी का शॉर्टेज हो गया। क्यों शॉर्टेज हो गया, क्योंकि फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया है। तो इसमें जो है दूसरा जो है क्या है कि कारण है, दूसरा कारण है, और इसका इफेक्ट क्या हो गया कि सब्जी की कीमत में वृद्धि हो गई, ये इफेक्ट हो गया। दूसरा वाला कॉज हो गया, क्योंकि क्या हो गया कि फसल का नुकसान हो गया, और ये जो इसके कारण क्या हो गया कि सब्जी के दाम में वृद्धि हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।